बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जहां उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगता है कि अब बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा और नीतीश कुमार को और तेजस्वी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे चिराग पासवान और पृथ्वी माली। देखिए, शुरुआत करते हैं चिराग पासवान से। चिराग पासवान और सुबह सुबह बैठते हैं और सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बिहार में बिहार सरकार नीतीश कुमार बिजली के बिल को लेकर बवाल मचाए हुए है और जनता से पैसा लूट रही है, महंगा बिजली खरीद रही है और उससे ज्यादा बेच रही है और यहाँ पे पैसे के नाम पे लूट मचा हुआ है। तो चिराग ने जहाँ एक तरफ जबरदस्त मोर्चा संभाल लिया है और ऐसा लगता है कि अब चिराग पासवान सिर्फ भाजपा के हनुमान नहीं, बिहार के हनुमान बनकर निकलेंगे और बिहार की नैया पार लगाने के लिए चिराग एकदम जबरदस्त मूड में है। चिराग जहां जा रहे हैं फ्रंट फुट पे सरकार को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तो चिराग जिस तरह से चिराग ने कुर्नी जिताया भाजपा को और जिस तरह से ये सारी कहानी हुई, वो कहानी अपने आप में बहुत खास थी। तो चिराग पासवान की कहानी के साथ अब आते हैं हम पृथ्वी कुमार माली पे। पृथ्वी कुमार माली जबरदस्त फुल ऑन एक्शन मोड में है। विपक्ष में भाजपा की जगह सिर्फ चिराग और पृथ्वी कुमार माली ही दिख रहे हैं। चिराग और पृथ्वी ना हो तो बिहार में विपक्ष दिखता ही नहीं है। विपक्ष कहाँ है समझ में नहीं आता। भाजपा चादर ओढ़कर सो रही है, मगर वही भाजपा को सहयोग करने वाली पार्टियां बीजेपी जो अपने पार्टी है के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पृथ्वी कुमार माली, उनकी पार्टी है और फुल ऑन एक्शन मोड में। कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता है जिसमें वो सड़क पर नहीं उतरते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन उनका ट्वीट या उनकी बात या उनकी पार्टी का कुछ लोग नहीं जमीन पे उतरते हैं। अब मामला हुआ है, मामला क्या है? मामला बहुत खास है और अलग है। इस बार पृथ्वी कुमार माली पूरे फुल ऑन एक्शन मोड में उतरे जमीन पे और जमीन पे उतरने के साथ देखिए, जो नीतीश कुमार की यात्रा निकली थी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे थे नीतीश, उस पे सवाल उठाया है पृथ्वी कुमार माली ने। हाँ, वही शख्स जिसने बिहार में की जो विधानसभा कुर्नी वो जिताया था। क्या कुछ कह रहे हैं पृथ्वी कुमार माली, सुन लीजिए। माली जी, आज नीतीश कुमार का पुतला लिए हुए हैं, बताइए। महागठबंधन यात्रा निकाला गया, नीतीश कुमार का समाधान यात्रा निकाला है। बनने में महागठबंधन यात्रा है, महागठबंधन यात्रा है, लिखे हुए शिक्षा हुआ शर्मसार छात्र लाचार पूरे इस जितना यहाँ बैनर लगे हुए हैं। एक बैनर और देखो, बड़ी क्यों बड़ी किए गए हैं? क्या क्या मतलब उनका दोषी क्यों हुआ? दो साल में छोड़ दिया गया क्यों? इसका जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को। बालिका गृह की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जो काम हुआ था जुगाड़, उसका अभी भी जो है मैं घोर निंदा करता हूँ। सब लिपा पोती कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता, जमीनी हकीकत कोई काम नहीं होता है। और सिन्हा जो कहता है हमको पते नहीं है, जैसे लगते दो साल के बच्चे हैं, हमको पते नहीं है, ये मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि समाधान यात्रा पे अभी हैं, अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है, अब वो फरवरी तक चलेगा, उस पर आपका क्या कहना है? मैं इनका घोर टिप्पणी कहता हूँ, आप पूरे पब्लिक को कहता हूँ, कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ अपनी आर्मी को सेटिंग करके रखे हुए हैं। हर चौक चौराहे पर जहाँ जाते सिर्फ उनका आर्मी ही दिखाई देता और कोई आर्मी दिखाई नहीं देता। पब्लिक से तो बात ही नहीं करते, कैसा मुख्यमंत्री है जी? पब्लिक से बात नहीं करते हैं। चलिए, तो आपने देख लिया कि पृथ्वी कुमार माली कह रहे हैं कि भाई कहाँ कुछ समाधान निकला, कहाँ कुछ निकला। पृथ्वी कुमार माली फुल ऑन एक्शन मोड में, एक तरफ चिराग दूसरी तरफ माली। अब देखिए, एक तरफ तो हनुमान मिल गया था, मगर एक तरफ खवैये की जरूरत थी क्योंकि रामायण और जो कहते हैं बिहार में अगर बिहार को फतह करना है भाजपा को, तो बिना चिराग और माली के कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे सारा कहानी सेट कर रहे हैं और जबरदस्त फुल ऑन फुल एक्शन मोड में पृथ्वी कुमार माली जबरदस्त तरीके से जमीन पे उतरे हुए हैं। और पृथ्वी कुमार माली का कहना है, जब तक बिहार को सही नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जब इस तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।